यार चक्कर नहीं समझ आ रहा कि ये है क्या सीन, इंटरनेट का इशू है तब भी या थोड़ा सा बेहतर हुआ है, एटलीस्ट वी आर सीइंग सम मूवमेंट। ओके जी, तो इट्स मच बेटर नाउ कंपैरेटिवली। और टांकरा होने वाला है, और अब हमारे पास जो स्क्वाड नंबर 19 और स्क्वाड नंबर 11 जो है, इन दोनों का टाकरा होने वाला है। और और 19 ईयर के अंदर जो है उन्हें ये जा रहे हैं जी सर, और दो बंदे इनके नॉक डाउन है टीम नंबर 19 के। और फाइनली हमारी स्क्रीन थोड़ी स्टेबल होते हुए और स्क्वाड नंबर 19 खाली हो चुका है। 11 नंबर स्क्वाड जो है उनके अगर डिटेल दिख जाए 19 वालों के लिए गो टू लॉबी। म्यूजिक जो है उसे टर्न ऑफ कर देते हैं हम। और अब अगर हम मैप को देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसले मिसाइल चल रहे हैं मैप पे। 25 टाकरा जो नेक्स्ट होने वाला है वो टीम नंबर 25 और 18 17 और 25 जो है वो नज़दीक नज़दीक हैं, लेकिन 25 आई थिंक इज़ ऑन मूवमेंट। और इस साइड पे अगर हम देखें तो 9 और 3 जो है स्क्वाड, इन दोनों का आपस में टाकरा हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। और स्क्वाड नंबर 2 और स्क्वाड नंबर 4, और स्क्वाड नंबर 2 के जो वेंडर हैं वो दूसरी साइड पे हैं, जबकि डार्क सोल जो हैं वो डार्क सोल की अगर बात की जाए तो वो उस तरह कैमरा ओपन कर और 18 किधर, अभी कोई नज़दीक नहीं लग रहे। 18 और 17 की अगर बात की जाए तो वहाँ पॉसिबिलिटी है हमारे पास फाइट देखने की, तो हम 18 और 17 नंबर स्क्वाड के पास चलते हैं। 18 is wiped out. Squad number 18 is already gone. और I think PK1968 ने जो है उन्हें destroy किया। Kills की अगर अभी तक बात की जाए तो kills के हवाले से 12 नंबर squad जो है Gangster, Par, Deadshot, Shiraz, इन लोगों ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है, इन लोगों ने अच्छी फाइट्स ली हैं। PK968 जो स्क्वाड नंबर 17 है, PK1 रॉबिन और कारतूस, इन लोगों ने भी अच्छे किल्स किए हैं। स्क्वाड नंबर 11 के अंदर जो है वो AR-51 डेमन साइलेंट हामिद जो है, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे किल्स लिए हुए हैं अभी तक। और इसके अलावा कोई ख़ास ऐसा बंदा नहीं है जिसके किल्स हुए हों। तो अभी हम दोबारा मैप चेक करते हैं और क्लोज जो फाइट है उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ओके जी, स्क्वाड नंबर 4 और स्क्वाड नंबर 2 के अंदर जो है वो झड़प होने का ख़दशा है, तो हम स्क्वाड नंबर 2 पे चलते हैं। रिसोर्सेज लोड होने का वेट कर लेते हैं। आई थिंक रिसोर्स पैक का ही जो है इशू है, इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। और डार्क सोल ने एस टी सी मुदीब जो है उसको अच्छी फाइट दी, और एस टी
ओके जी, दोनों दोनों ही डाउन है, बीटीसी मुनीब और डार्क सोल, और इनका जो दूसरा मेंबर है रॉक्स वेंडर, रॉक्स वेंडर जो है वो आई थिंक अकेले रह गए हैं, जबकि जो है स्क्वाड नंबर 4 उनकी बात की जाए तो बीडीसी मुनीब इज़ बीइंग रिवाइव्ड, वो अपने रेबल यासिर जो है उन्हें रिवाइव दे रहे हैं, और आई थिंक कि जो है वेंडर इज़ कमिंग और वो शायद इन पे रश करे, इवन दो के वेंडर अकेला रह गया है, तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, वेंडर जाता है उन पे रश करता है या नहीं करता। उसके अलावा अगर देखें हम तो ओके जी, वेंडर इज़ गॉन, स्क्वाड नंबर 4 जो है उन्होंने वाइप कर दिया है वेंडर के स्क्वाड को, और अब स्क्वाड नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 और 17, 20, 21, 22, 23 के अंदर स्टिल अकेला साइको चर्सी बचा हुआ है। 25 स्क्वाड की अगर बात की जाए तो वो भी अलाइव है अभी तक। तो अब मैप हम चेक कर लेते हैं, और अभी तक 63 लोग रहते हैं, पता नहीं है किधर ये सारे जी। अच्छा, सर्कल के अंदर फ़िलहाल जो है वो सिर्फ 3 स्क्वाड हैं, स्क्वाड नंबर 22, रॉक्स शूटर अलोन दानी वाला स्क्वाड है, बाकी सारे जो हैं वो आउट ऑफ सर्कल अभी तक खेल रहे हैं, और इन लोगों ने फाइट ली है, किसके साथ ली है स्क्वाड नंबर 4 ने, और टीम 11 जो है वो सर्कल के अंदर आ रही है, और टीम 11 बल्कि रेड जोन के अंदर है, सर्कल के अंदर के भी नहीं, और बीटीसी मुनीब लोग जो हैं ये भी सर्कल के अंदर ही हैं, जो रेड जोन के अंदर है सॉरी। मज़े की फाइट होती हुई यहाँ अभी तक नहीं दिख रही, सेफ बिल्कुल जो गेम प्ले कर रहे हैं वो स्क्वाड नंबर 22 है, क्योंकि बिल्कुल अलहदा स्वर्णी के अंदर मौजूद हैं, और उन उसके अलावा बाकी सारे स्क्वाड्स जो हैं वो हमारे पास नीचे वाली साइड में प्रिजन शेल्टर और इस तरह की जगहों पे मौजूद हैं। ये रिक्वेस्ट आई है जी, साइको चर्सी दिखाया गया है, किधर है साइको चर्सी? एक मिनट जी, साइको चर्सी पे हम लेके चलते हैं स्क्वाड नंबर 23, स्क्वाड नंबर 23 के अंदर साइको चर्सी अकेले बचे हुए हैं, देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं जी, और साइको चर्सी इज़ ऑन मूवमेंट, और कर क्या रहे हैं ये? अभी तक लूट रहे हैं जी, अभी तक लूट कर रहे हैं जनाब, स्ट्रॉबेरी वाला हेलमेट पहन के, इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, अकेले रह गए हैं बेचारे। तो स्क्वाड नंबर 5 जो है उनके काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और स्क्वाड नंबर 5 कंप्लीट है, अगर फाइट होती है तो आई एम प्रीटी श्योर कि स्क्वाड नंबर 5 जो है वो इन्हें ले जाएगा। मैप पे चलेंगे, अच्छा मैप पे चलते हैं, और टीम नंबर 20 और 21 के अंदर जो है वो खासी झड़प होने का इम्कान है। टीम नंबर 20 और 21, ओके जी, तो अलोन वुल्फ जो है उन्हें काफ़ी गंदा डैमेज मिला है, और स्क्वाड जो है वाइप आउट कर दिया है 20 नंबर स्क्वाड में मिस्टर वैनम, 9 मास्टर जिदी, ये कल भी स्ट्रीम के अंदर मौजूद थे, और जोकर जो है इन्होंने ए वुल्फ का जो स्क्वाड था उन्हें फिनिश कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है, और वी मिस्ड दिस फाइट टू। स्क्वाड नंबर 11 के जो हैं वो डेमन और हामिद के साथ साथ साइलेंट जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। बिलाल भाई, आपका क्या ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी कैसी है इनकी, जो स्क्वाड नंबर 20 है उनकी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी फिलहाल के लिए? फाइट हो रही है जी, कुछ कोई जी 20 अच्छा खेल रही है, स्मार्टली प्ले कर रही है, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये विन करेगी। अच्छा, ये फाइट की पॉसिबिलिटी, ओके 5 और 25 जो है उनके अंदर पॉसिबिलिटी है। स्क्वाड नंबर 5 और 25 के अंदर
ड्रोन यूज़ करें जी, यहाँ पे काफ़ी ड्रोन यूज़ करते हुए चौधरी फरहान साहब और जो भी वुल्फ चैम्पियन अलोन काशी, और टॉप पे हमारे पास रेबल जाहिद हैं, अलोन किंग हैं और रॉक्स मुगल हैं, और यहाँ पे फरहान साहब की जो है वो हेल्थ काफ़ी लो है, और रेबल जाहिद जो है वो नॉक डाउन हो चुके हैं, ऊपर उनके रॉक्स मुगल जो है वो भी नॉक डाउन है, और साइको चर्सी इज आल्सो इन दिस बिल्डिंग। तो व्हाट अबाउट, किसी को नहीं पता ये बात, किसी को भी नहीं पता कि साइको चर्सी सेम बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। और बिलाल भी क्या ख्याल है कि ये लोग रश करेंगे इन पे, और ये एक और टीम आई थिंक सो ये रश करना चाहिए इनको, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक खिलाड़ी नॉक है, और इनको रश करें। और ये रेबल जायद जो है वो रिवाइव हो रहे हैं हमाद की तरफ से, हमाद उन्हें रिवाइव देने के लिए आ रहा है पीछे, और स्क्वाड नंबर 11 जो है वो भी सेम एरिया के अंदर आ चुके हैं, और ये काफ़ी चार टीमें, फोर टीम्स इन अ सेम प्लेस। और ये जो फरहान वाली टीम है ये भी अच्छा नहीं खेल रही, इनको रश करना चाहिए। ओके ओके ओके, अमरीक भाई साइको चर्सी के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो उसी बिल्डिंग में है, वो सेम बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, बट अभी वेट कर लेते हैं ग्राफिक्स लोड होने का, पता नहीं क्या सीन है, थोड़ा आप ड्रोन यूज़ करें सर, ड्रोन यूज़ कर लेते हैं। और चौधरी फरहान साहब को नॉक कर दिया है, राइट साइड से हमारे पास जो है रेबल जायद और हमाद लोगों की टीम ने, और आई थिंक चर्सी इज़ वाइप्ड आउट, सो नहीं नहीं चर्सी अभी तक अलाइव हैं जी, ये जी 25 का एक बंदा गया है, और हमाद साहब ने जो है वो अच्छा रिवाइव दिया अपने टीम मेट को, और दोनों स्क्वाड्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, अलोन काशी जो हैं वो अलहदा खेल रहे हैं, जबकि वुल्फ चैम्पियन और जोगी बच गए हैं, जब बात की जाए चौधरी फरहान साहब की तो इज़ गॉन, इज नो मोर इन द गेम। जोगी साहब दीवार के साथ पता नहीं क्या लगे हुए हैं। और स्क्वाड नंबर 1 की बात की जाए तो वो लोग भी सेम एरिया में मौजूद होते हुए पता नहीं करने क्या वाले हैं, आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू फाइट टू सून, तो हम किसी और टीम की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ पे हमें फ़ाइट देखने को मिल जाए। यहाँ पे फ़ाइट होगी सर, फ़ाइट होगी सर, लेकिन अभी हम बाकियों को भी तो स्पेक्टेट कर सकते हैं। ओके जी, तो अलोन जोकी जो है उन्होंने किंग को नॉक कर दिया, और अलोन जोगी जो है जायद ने उन्हें नॉक किया है, और जोगी को कंप्लीट किल करने की कोशिश की जा रही है, और अलोन जोगी इज़ नो मोर इन द गेम, जबकि वुल्फ चैम्पियन जो है उन्होंने जायद को नॉक कर दिया है, और यहाँ अच्छी फाइट का मुजाहरा किया गया है दोनों स्क्वाड्स की तरफ से। और अब जाके हमारे पास आरआईपी हामिद और वुल्फ चैम्पियन जो है वो दोनों टीमों में से ये दोनों सिर्फ बचे हैं, टीम वन जो है वो गाड़ी पे मूवमेंट पे है, और यहाँ पे जोगी जो है उन्होंने अच्छे तरीके से ये कम्पीट किया है। अब हम मैप जो है उस पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ यहाँ पे अगर और पॉसिबिलिटी है हमारे पास फाइट। ओके, ये 13 और 9 जो है स्क्वाड, इनके अंदर पॉसिबिलिटी है कि शायद फाइट हो जाए। ओके जी, तो ओपी नूर जो है वो मूवमेंट पे हैं, और आई डोंट नो कि व्हाट इज़ रॉन्ग, थर्टीन नंबर स्क्वाड इज गॉन। अदीब साहब की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं 0 किल के साथ, नहीं टीम ने एक किल किया है। स्क्वाड नंबर 7 की आप जो है क्या कहना चाहेंगे, उनके 5 किल हो चुके हैं, और स्क्वाड नंबर 4 के अंदर एवल भट्टी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, और रेबल यासिर जो है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। स्क्वाड नंबर 20 जो है इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है 7 किल्स के साथ, जो है ये मिस्टर वैनम, के पी के पैराकॉन, 9 मास्टर जिद्दी और सी जी जोकर जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी स्क्वाड जो है हमारे पास वाइप हो चुके हैं। अदीप भाई आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी टीम जा रही है इस टाइम पे, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो है 20 नंबर स्क्वाड जा रहा है जी, और इन लोगों को सर्कल का डैमेज मिलने वाला है काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये लोग बहुत दूर हैं, और अब हमारे पास जो है वो काफ़ी कम टीम्स रह गई हैं, तो
जोकर मौजूद है हमारे पास, दानी वाला स्क्वाड है, हामिद एक्स वाला स्क्वाड हमारे पास मौजूद है, साइको चर्सी स्टिल सर्वाइविंग, वो ये बंदा कुछ करेगा, ये बंदा कुछ करेगा मुझे लग रहा है, अकेला बंदा खेल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये बाजी ले ही ना जाए। और देन हम देखते हैं कि AR-51 डायमन, इनकी गेम प्ले हम चेक करते हैं, ये लोग हो सकता है कि टीम स्क्वाड नंबर 4 जो है रेबल यासिर उनके साथ फाइट में जाएं, और रेबल यासिर लोग जो हैं ये वही स्क्वाड हैं जिन्होंने जोगी और फरहान वाला जो स्क्वाड है उनको फिनिश किया था 13-9। जोगी और फरहान की टीम ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, अगर वो रश करते तो यकीनन वो उनको नॉक कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने दो बंदे नॉक डाउन होने के बावजूद जो है वो रिस्क नहीं लिया, यही उनकी गलती तो है। स्क्वाड नंबर 9 जो है उन्हें अच्छा खासा डैमेज मिल रहा है जोन से, और ओपी नूर जो है वो जोन से शायद बच जाए, और अलोन जोकर और बाकी जो है वहाँ हाई पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि वो लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। अलोन स्टार जो हैं वो जीरो किल पे हैं जी अभी तक उन्होंने। अच्छा जी, एपेक्स निंजा ने कल लास्ट पे काफ़ी अच्छी फाइट दी थी इन लोगों को। ओके, और यहाँ पे हमें फाइट देखते वक्त ओके जी स्क्वाड नंबर 11 था, लेकिन उन लोगों ने अकेला बंदा होने के बावजूद ओके समवन इज गॉन और स्क्वाड नंबर 11 जा रहा है। अब हम मूव करते हैं किसी और पे जी, स्क्वाड नंबर 20 और 25 नज़दीक हैं, और साइको चर्सी उन चारों स्क्वाड के दरमियान है। ये बंदा यार कहीं बैठ के चर्स तो नहीं पी रहा, चर्सी नाम रहा। ये जी वो ऊपर 22 और 6 का टाकरा हो चुका है जी, 22 और 6 का टाकरा होने जा रहा है। 6 चुका है, 6 इज गॉन, अभी टाकरा हुआ है ना, तो उसके 6 वाइप हो चुकी है, डाउन स्टार लोगों ने उसे उठा दिया है। यार हम चलते हैं आई थिंक 11 मूवमेंट पे है, ये इनका डायमंड जो है 11 नंबर का, 20 के साथ कुछ पंगा होगा अभी, और 20 नंबर स्क्वाड है उन्होंने डायमंड जो है, 20 नंबर स्क्वाड की स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है अभी तक जो है ना, अगर हम ड्रोन व्यू पे चले जाएं यहाँ पे तो, और काफ़ी टीमें जो है। अच्छा इधर 11 नंबर स्क्वाड भी इसी जगह पे मौजूद है, और हम आज जो हैं वो नॉक डाउन हो चुके हैं, और वेनम और केपी पैरागॉन जो है केपी के पैरागॉन ये सरवाइव कर रहे हैं दूसरी टीम में। चेसी भाई डरावने मिस्टर वैनम पे चलते हैं जी, 6 किल के साथ लीड कर रहे हैं मिस्टर वैनम, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। इनकी गेम प्ले थोड़ी देर के लिए हम एंजॉय करते हैं, और 23 नंबर स्क्वाड जो कि एक ही बंदा उनमें बचा है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बाकियों के स्टैट्स देखे जाएं तो एपेक्स निंजा वाला स्क्वाड बिल्कुल सेफ प्ले कर रहा है, वो एंड तक सर्वाइव करने की कोशिश में है। स्क्वाड नंबर 7 जो है उनमें जो है के आर कैन जो हैं करण या समथिंग नाम जो आई जी जो भी हैं ये लोग, इनके 4 किल्स हैं और ये अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। ये के साथ ओपी नूर और अलोन जोकर वाला जो स्क्वाड है अलोन जोकर उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे मिस्टर वैनम किसी को स्पॉट करते हुए या करने की कोशिश करते हुए एटलीस्ट फिलहाल जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जा रहा है वो मिस्टर वैनम जो है इन लोगों का है, इनका एक बंदा जा, इनका एक बंदा अभी तक जा चुका है, और नहीं वो रिवाइव नहीं जी फिनिश, एक बंदा फिनिश हो चुका है इनका, और आई थिंक ये लोग जो है साइको चर्सी से क्रॉस होंगे या नहीं होंगे देखते हैं इस बार गया, और इन लोगों आइदर मिस कर और साइको चर्सी ने एक बंदे को नॉक किया, लेकिन उसने गलत स्क्वाड के साथ पंगा लिया है। ये लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं शुरू से ही, तो
अब हम चलते हैं मैप पे, और मैप पे अगर हम पोजीशंस चेक करें तो मिस्टर वैनम लोग जो हैं इन लोगों को रेड जोन हिट करने वाला है। टीम नंबर 20 वो देखें कहाँ पे, टीम नंबर 20 की बात करें मिस्टर वैनम है, और अच्छा जी उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ओपी नूर और ओके ओपी नूर भी चलते हैं, ओपी नूर इज गॉन, अलोन अदीप जो हैं ये लोग स्पॉट कर चुके हैं आई थिंक उनके एक स्क्वाड को, दो बंदे इनके जा चुके हैं और इनके दो बंदे जा चुके हैं, अलोन जोकर और ये इन लोगों ने स्पॉट किया हुआ है, और ये लोग आई थिंक ये लोग लालच के चक्कर में मरे हैं, आप देखें अगर तो ये बॉक्स को लूट करने आए थे बट देवर नॉट अवेयर किस वहाँ कोई भी है, और यहाँ पे फाइट ली जा रही है और 20 नंबर स्क्वाड यहीं पे जो आ चुका है और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ फाइट होने वाला है, लोग तो स्क्वाड नंबर 11 और 20 जो है ओके जी 20 पे चलते हैं, और नाइन मास्टर जिद्दी जो है इन्होंने स्पॉट कर लिया अलोन जोकर और अलोन अदीप की पोजीशन को, और आई थिंक ये रश करने जा रहे हैं, आज स्ट्रीम के अंदर काफ़ी इशू हुआ है, नहीं फिजान भाई ये नेक्स्ट रूम नहीं होगा, इसी रूम का जो विनर होगा उसको जो है वो प्राइज़ दे दिया जाएगा, रन टाइम पे भी दिया जाएगा, लाइव स्ट्रीम के अंदर ही दिया जाएगा, तो वो इशू नहीं है, आप बेशक लाइव स्ट्रीम देखते रहें। वैनम इस टीम का जो काफ़ी अच्छा खेल रहा है जी, क्या ख्याल है बिलाल भाई? बिल्कुल मदम साहब आपका क्या कहना है, अभी तक इनका स्क्वाड काफ़ी स्ट्रांग जा रहा है, और सबसे सेफ प्ले जो कर किया इन्होंने निंजा लोगों ने किया है, अभी तक ये 3 किल के साथ जा रहे हैं, ये जी इनका एक प्रॉब्लम चल रहा है, एक बंदा नहीं है अभी, और 22 नंबर स्क्वाड जो है उनमें अलोन स्टार, नाइन मास्टर अवैस नाइन और अलोन था, ये अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, इन पे अब चलते हैं, टांकरा इनके साथ और इन लोगों पे फायर किया किसी ने, अच्छा ये सारे स्क्वाड जो है इनकी लोकेशन जो है वो काफ़ी करीब करीब है, और अच्छा जी अलोन थक जो हैं उन लोगों को स्क्वाड नंबर 1 के अंदर पता है कि वो लोग कहाँ हैं, और यहाँ पे मिस्टर वैनम आगे बढ़ते हुए आई थिंक कि यहाँ क्लच होने वाला है, और एपेक्स निंजा इज़ डाउन, वैनम ने उन्हें डाउन कर दिया, और स्क्वाड नंबर 2 भी मौके पे मौजूद है, और 22 स्क्वाड इज़ गॉन, अलोन थक जो हैं उन्हें 20 नंबर स्क्वाड के 9 मास्टर जिद्दी ने काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया, और 9 जिद्दी भी जो है वो भी डाउन है, स्क्वाड नंबर 9 में अलोन जोकर बचे हैं, और अलोन जोकर जो स्प्रे दे रहे हैं इन लोगों के स्क्वाड को, और मिस्टर वैनम की अगर बात की जाए तो आई थिंक इज़ द मैन ऑफ द मैच सो फार, अगर ये विन करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने विन किए गेम, अब बस यही दोनों स्क्वाड मौजूद हैं यहाँ पे, अब हम ड्रोन कैमरा पे चले जाते हैं, और 9 मास्टर जिद्दी इनके डाउन हैं, और एपेक्स निंजा जो है आई थिंक वो रिवाइव हो चुके हैं, 3 बंदे रह गए, अच्छा जी ये सेकंड डे के जो हैं वो सेकंड पर्सन है जो एपेक्स निंजा, इन्होंने कल भी जो है ये लोग काफ़ी अच्छा सर्वाइव करता रहा ये बंदा, और एंड तक लड़ा है, और मिस्टर वैनम जो आई थिंक रिवाइव करने जा रहे हैं 9 मास्टर जिद्दी को, तो देखते हैं कि रिवाइव कर पाते हैं या नहीं, एपेक्स निंजा इज़ प्रीटी श्योर, लेकिन उन्हें अच्छा डैमेज मिला है, एपेक्स निंजा डाउन है, और जीसी जोकर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया है, और इनके दो बंदे जो हैं नॉक हो चुके हैं, और 20 नंबर स्क्वाड एज इट वॉज एक्सपेक्टेड उन्होंने यहाँ पे नेड किया, और यहाँ पे बाजी ले गए हैं वो 20 नंबर टीम जो है आपकी जो है मिस्टर वैनम वाली टीम थी, ओके जी यहाँ हमारे पास स्टैट्स बिल्कुल आपके सामने हैं, केपी पैरागॉन
मिस्टर वैनम, जी सी जोकर, नाइन मास्टर जिदी, आप लोग काइंडली अपना जो है वो यूज़र नेम आइदर कमेंट कर दें या मुझे बता दें, मैं आपको ऐड करता हूँ और जो है आपको लाइव यहाँ पे प्राइज दिया जाएगा। नंबर स्क्वाड टू जो है वो मिस्टर खान, टाइगर और निंजा, ये लोग दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से काफ़ी सेफ प्ले किया है। ओपी नूर लोगों का जो स्क्वाड है, अलोन, जोकर, घोस्ट और अदीप वाला, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव किया और ये सेफ गेम प्ले करते रहे हैं। और यहाँ पे अगर किल्स की बात की जाए तो के पी पैरागॉन जो है इन लोगों के स्क्वाड के अलावा AR-51, साइलेंट, डैमन, हामिद एक्स और मिस्टर वारियर जो हैं, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया और काफ़ी ज़्यादा किल्स किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेबल, यासिर भट्टी और असेसिन जो XR है, इसमें BTC मुनीब जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया और इसका आपने देखा भी एंड पे नॉक डाउन किया गया था इन्हें। और रीपर फोर्स जो हैं उनका एक किल है और 3 kills के साथ हैं अब, और उसके साथ साथ जो हैं बाकी स्क्वाड्स जो हैं वो उनमें जो है लेजेंड बासित, गैंगस्टर परी, शिराज और डेड शॉट जो हैं इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यही हमारा सीन था आज का। अब हम चेक करते हैं जो विनर है उसको बुलाएं और ऐड करें। यार इन लोगों को ऐड करना है मैंने, यहाँ मेरे साथ ऐड ही तो नहीं है ऑलरेडी। यार किसी को ऐड करना है, मिस्टर वैनम आप कांटेक्ट कर लें, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वैनम, ओके सो देयर यू आर। कौन दिया? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वैनम। वैन दिया और वालेकुम सलाम, क्या हाल है सब? ठीक है, काफी अच्छा गेम प्ले किया आपने। थैंक यू सर आप लेके एपेक्स निंजा को काफी अच्छा आपने जो है ना आखिर में गेम प्ले करते हुए जो एपेक्स निंजा ने स्ट्रेटजी ठीक अपनाई थी बट एपेक्स सर जी कल भी नेड से आज भी नेड से इतनी बैड लक देखी है कभी बस नेड से यही एपेक्स निंजा और इनको रिवाइव करने के लिए आए हुए थे इनकी टीममेट वो गए हैं तो मिस्टर वैनम आप अपना इजी पैसा दे दें, आप अगर बाहर हैं आई थिंक तो अपना कोई भी टीम मेट अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं तो उसका अकाउंट नंबर दे दें हमें। क्या क्या कहते हैं मतलब मुझे नहीं पता। आप नहीं, हाईएस्ट किल इनके है ना, हाईएस्ट इन किल इनके हैं तो इनको मिलना चाहिए ना। हाँ तो वही ना, आप अपना अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वेल एंड गुड, अगर पाकिस्तान से आप नहीं आप बाहर हैं, आप तो स्पेन में हैं डेफिनेटली, तो आप अपने टीम में किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं या क्या सीन है इसके लिए? प्राइम प्लस के लिए जी हाँ। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। वो मैं दे देता हूँ जी, मैं दे देता हूँ नहीं, आप अगर तो डोनेट करना तो आप मतलब मुझे पेपाल दे दें, अगर मैं आपको उसमें दे सकता हूँ। अरे मेरा वो कुछ नहीं है, बॉयल में मैं कोई पेपाल, आपको पेपाल भी नहीं है, आप मैं यूसी सेंड कर दूंगा, तो यूसी आपको सेंड कर दिया जाए तो दैट्स रीजनेबल आई थिंक। तो चलो यूसी कर दो कोई बात, वो कार एरांजा जो आपको गिफ्ट कर देता है तो अगर तो हम लाइव ठीक हो गया, आपको अगर कंफर्म हो जाता है तो आप मुझे बता देना ठीक है। बहुत अच्छा गेम प्ले था आपका, बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके तो विद दैट बीइंग सेड ये थी हमारी आज की स्ट्रीम और थैंक यू वेरी मच आप सबका जो देख रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं एक और चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ कि हम एक लाइव टूर्नामेंट करवा रहे हैं TDM मैच का और उसमें ये होगा कि आप बस आपने टीम की रजिस्ट्रेशन करनी है, नंबर आपके पास सर्कुलेट कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर बैनर के ऊपर, आपके पास व्हाट्सएप का नंबर होगा, आपने सिंपल उस पर मैसेज करना है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री एंट्री होगी और उसका प्राइज़ पूल जो है हमने
विनर के लिए जो है वो 3000 और रनर अप के लिए 2000 रखा है। टेबल्स और पॉइंट्स के चक्कर में ये सिस्टम चल रहा है और जितनी भी टीम्स होंगी उनके ग्रुप्स बनेंगे और जो भी विनर डिक्लेयर होगा उसको जो है प्राइज़ दे दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये कल के दिन अनाउंस कर रहे हैं हम, तो आई थिंक परसों तक एंट्री क्लोज़ कर देंगे। तो जब भी आपके पास मौका मिलता है तो आपने व्हाट्सअप करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करानी है ताकि आप शामिल हो सकें इस टूर्नामेंट के अंदर। मोस्टली मैचेस जो हैं इसके लाइव किए जाएंगे और जो भी अच्छा गेम प्ले करेगा शायद उसको भी प्राइज़ दिया जाए। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट।